बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ मज़ेदार आलू पराठा। इसके लिए जो जो चीज़ चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसके लिए लिए हैं 1 किलो आलू, 3 पाव मैंने लिया वाइट फाइन आटा, 1 गड्डी मैंने हरी धनिया इसके लिए काट ली है, 3 मैंने हरी मिर्च ली है बारीक काट करके, 1 बड़ी प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, 2 चम्मच मैंने इसमें लिया है कुटी मिर्च लाल, 1 चम्मची मैंने लिया है इसके सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, बहुत बारीक नहीं करना है, और 2 चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया कुटा हुआ, इसे भी बारीक नहीं करना, 1 चम्मच मैंने लिया है इसके अंदर कलौंजी, नमक हसबे ज़ायका और ऑयल। अब मैंने पानी ले लिया है आलू को बॉईल करने के लिए, तक मैं इसमें आग जला लेती हूँ। ये आलू मैं इसमें डाल रही हूँ बॉईल करने के लिए, तकरीबन आलू बॉईल हो जाएगा हमारा 15 से 20 मिनट के अंदर। अब हमने आलू चढ़ा दिया है अपना बॉईल होने के लिए। जब तक आलू हमारा तैयार होता है वहाँ पर बॉईल हो करके, मैं इसमें आटा गूंद लेती हूँ। इसके लिए मैंने इसमें डाला है नमक तकरीबन 1.5 चम्मच, जब तक मैं आटे को फाइन करती हूँ जब फिर आपसे मिलते हैं। चले तकरीबन ये मेरा तैयार हो गया आटा। अभी थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के 1 चम्मची इसे अच्छे से और फाइन कर लेते हैं। अच्छी तरह से हो गया और इसे हम थोड़ी देर के लिए इस तरह रखते हैं जब तक हमारा आलू बॉईल होता है, फिर हम बाकी प्रोसेस करते हैं। चलिए अब हम ऑयल डाल लेते हैं इसके अंदर 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऑयल शामिल करा है। और इस ऑयल के अंदर हम देखते हैं हमने ये प्याज ली है, हमें उस प्याज को ब्राउन करनी है। अच्छे से ब्राउन करनी है तो है ना, बहुत ज़्यादा इसको तेज नहीं ब्राउन करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्राउन हो जाए। जो आलू बॉईल करने का रखा था ये आलू हमारा सब बॉईल हो चुका है और इसको मैंने देखे अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसे हम बाकी चीज़ डालते हैं। ये जो मैंने प्याज ब्राउन की थी रखी थी, ब्राउन करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, चूर लिया। इसके अलावा हरी धनिया हरी मिर्च काट के रखी थी वो सब इसमें ऐड करते हैं। लाल कुटी मिर्च, कलौंजी, ज़ीरा और धनिया इन सबको भी ऐड करते हैं और नमक 1 टीस्पून से भी ऐड करते हैं। नमक हसबे ज़ायका है, आपको कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मज़ेदार इसका पराठा बनेगा और छोटे बच्चे तो वैसे भी आलू बहुत शौक़ से खाते हैं, आलू के पराठे वगैरह उन्हें बहुत पसंद होते हैं। चाहे तो आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि इसे चम्मच ही से मिक्स करना है। धनिया की, ज़ीरे की, हर धनिया की और प्याज जो मैंने ब्राउन करके डाला है उसकी इतनी सौंधी और बेहतरीन खुशबू इसमें से आ रही है।
बहुत से लोग इसकी कच्ची प्याज का भी बनाते हैं पराठे, लेकिन मैंने ब्राउन प्याज इस्तेमाल की है, इससे बहुत सौंधा बनाएगा। चलिए ये मिक्स हो गया है हमारा। चलें ये देखिए मैंने बिल्कुल आलू को अच्छी तरह मिला लिया है, मिक्स कर लिया है और तमाम चीज़ें इसकी बिल्कुल अच्छे से मिक्स, और बहुत ही इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है। और ये मेरा आटा जो हमने पहले ही तैयार कर लिया था, अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। दो पेड़े मैं एक साथ बना लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। इसे भरने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ, इसे हल्के हल्के साइड से दबा दबा के, पेड़ को दबा दबा करके साइड से इस तरह बड़ा करना है। ठीक है, और इसमें जो हमने बैटर बनाया है डालने का, इसे इसमें फिल करना है। चलिए देखिए मैंने ये पेड़ा बना लिया है, ये देखिए दो पेड़ा मैंने रेडी कर लिया है। मैं आपको उसको बेल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने बेल ली है और अब हम इसको पकाते हैं। चलिए देखिए मैंने पराठा डाल दिया इसके अंदर, देखिए मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। देखिए ये ज़बरदस्त आलू पराठा आपका रेडी है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा पराठा, मज़ेदार इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। ये देखिए बिल्कुल एक बार बना है, इसका आटा आप अच्छे से गूंथ देंगे तो ये फट के बाहर नहीं आएगा।
है। चलो मैंने अपना दूसरा पार्ट इसमें डाल दिया है। देखिए चलिए ये पराठा रेडी होता है तो मैं डिश में निकालती हूँ। चलिए मैंने ये दोनों पराठे तैयार कर लिए हैं और दोनों को निकाल लिया है और आप देखिए कितने मुलायम नरम बेहतरीन बने हैं और कहीं से भी खुले नहीं हैं, फटे नहीं हैं। इसको अच्छे से इसका बैटर आप तैयार करें और इसके आटे को बहुत अच्छी तरीके से गूंद दें और 10-15 मिनट कम अज कम इसको गूंद के पैटे से रखें। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल है इसकी। चले अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम आपसे मुलाकात होती है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।